बिहार में युवा खासकर लड़कियां आत्मनिर्भर बनने के लिए अब खुद का कारोबार शुरू कर रही हैं। ग्रेजुएट मोना पटेल ने भी खुद का कारोबार शुरू किया है और उन्होंने आत्मनिर्भर चाय वाली स्टॉल खोला है। उनसे बात की हमारे सहयोगी शक्ति ने। बिहार में जिस तरह से प्रतियोगिता परीक्षाओं में करप्शन हो रहा है, उसके बाद जो है छात्र जो है वो सरकारी नौकरियों से उनका जो है मोह भंग होते जा रहा है। ऐसे में बिहार की कुछ खास करके लड़कियां जो है वो आत्मनिर्भर बनने की राह पे हैं। आपको दिखाते हैं, पटना की एक आत्मनिर्भर चाय वाली जो कि मोना है जिनका नाम, वो खुद से चाय बना रही है और स्टोर लगा के, और प्रतिदिन जो है उन्हें अच्छी कमाई भी हो रही है। आइए हम बात करते हैं मोना से कि किस तरह से उन्होंने जो है ये चाय की दुकान खोलने की बात। मोना, आप के मन में जो है वो जब एक लड़की जो होती है, आप BCA आपने किया है, तो जब आप पास आउट हो रही थी तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था उस टाइम तक। उसके बाद क्या हुआ, मैंने IT सेक्टर में फॉर्म भरा, IT सेक्टर में मेरा जॉब भी हो गया, लेकिन 15,000 की जॉब हुई। मैंने सोचा इतना टाइम दे के मैं 15,000 का जॉब नहीं करूँगी, मैंने जॉब को छोड़ दिया। उसके बाद मैं सोच रही थी, फिर भी मैं थोड़ा सा मिडिल क्लास से हूँ तो थोड़ा सा लोग बोल रहे थे कि ग्रेजुएशन कर ली हो तो कुछ साइड से करो, घर में क्यों बैठी रहती हो, ये लोग बोल रहे थे मुझे। तो मुझे सब बोल रहे थे प्राइवेट जॉब ही तब तक पकड़ लो, बट मैं प्राइवेट नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कुछ अपना कर लेती हूँ, उससे मेरा पैकेट खर्च भी निकल जाएगा और सोर्स ऑफ इनकम भी आ जाएगा, इसलिए मैंने कर ली। सरकारी नौकरी के बारे में आपने के मन में कभी ख्याल है? सरकारी नौकरी मैं करना चाहती हूँ। आप उसके लिए क्या प्रिपरेशन? जी मैं कर रही हूँ, सरकारी नौकरी के प्रिपरेशन में मैं लगी हुई हूँ। जब एक लड़की खास करके जब चाय की दुकान जो है बहुत कम देखने को मिलती है, और अब पटना में जो है घर के बिहार जैसे राज्य में जो है एक लड़की का चाय बेचना, आपके घर परिवार और समाज के लोग के बारे में क्या कुछ किन्होंने कुछ कहा? देखो, बाहर की अगर बात करो, सारी गर्ल्स रोड पे उतर के कुछ ना कुछ बेच रही है तो मैटर नहीं करता। बिहार में बेचना पढ़ लिख के बहुत बड़ी बात हो जाती है और यही हो रहा है। मैंने पढ़ लिख लिया और मैं चाय बेच रही हूँ तो बहुत ये हो रहा है कि पढ़ लिख के चाय बेच रही है। तो मैं इंस्पायर करना चाहूँगी लोगों को कि ये कोई काम छोटा नहीं होता। चाय बेच रही हूँ तो कौन सा गलत कर रही हूँ, अपना कर रही हूँ, किसी की नौकर थोड़ी ना हूँ, तो कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, यही बोलना चाहूँगी। घर वाले ने कभी कुछ कहा इसको लेकर, या फिर अगल बगल के पड़ोस लोग के लोग आपके रिलेटिव बोल रहे? हाँ, रिलेटिव बोल रहे थे कि ये सही चीज़ नहीं है, पढ़ लिख के चाय नहीं बेचना चाहिए, कुछ अच्छा कर लेती, कुछ अचीव करती, गवर्नमेंट जॉब अचीव करती, रिश्तेदार बोल रहे थे। बट फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते, अब मेरे फैमिली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पापा मम्मी का क्या कहना है जब उनको पता चला कि उनकी बेटी जो है वो पटना में पढ़ रही है और चाय की? पापा मम्मी गुस्सा गए थे, बट अब जैसे जैसे वायरल हो रहा है न्यूज, सारे लोग जान रहे, तो अब मम्मी पापा बोल रहे ठीक है करो कोई बात नहीं। आपका क्या फ्यूचर क्या है आगे? MBA करूंगी और साथ में MBA इसलिए करूंगी ताकि बिजनेस अच्छे से हैंडल कर सकूं, इसको आगे बढ़ाऊंगी और साथ में गवर्नमेंट जॉब अचीव करने की कोशिश करूंगी। बिहार के युवाओं को कुछ कहेंगे जो कि खुद का अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बोलूंगी बिहार में बिजनेस की बहुत कमी है, सारे लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट जॉब तो कुछ नया स्किल डेवलप करो, कुछ नया बिहार में भी कुछ अच्छा बिजनेस, मतलब लोगों को रोजगार दो ताकि लोग बाहर ना जाए, स्टेट से बाहर ना जाए, सारे लोग स्टेट से बाहर कमाने जाते हैं। तो ऐसा नहीं करो, बिहार में ही कुछ अच्छा अच्छा बिजनेस के स्टार्टअप करो। लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे जो आपके हम उनकी हैं जो पटना में सुदूर ग्रामीण एरियो से आई है और पढ़ रही है, और उनके पास क्या उनकी आर्थिक स्थिति भी नहीं है तो ऐसे में वो कुछ करना चाह रही है, तो उनको भी कुछ हटके कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा है उनसे और उनको प्रेशर आ रहा है, एज जा रही है उनकी, तो उनको भी कुछ करना चाहिए। जरूरी नहीं है चाय ही बेचे, बट कुछ करना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ पटना की आत्मनिर्भर चाय मोना, जिनका कहना था कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के भरोसे जो है वो छात्रों को नहीं रहना चाहिए, अपना खुद का भी वो स्टार्टअप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी काम जो होता है वो छोटा बड़ा नहीं होता, और भले वो चाय बेच रही हैं लेकिन उनका जो है वो अब सपना जो है आगे कुछ बड़ा करने का। कैमरा राजेश के साथ शक्ति न्यूज़ 22 को पटना।